नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं साइलेंस की, मौन की। आप दिन भर कितना बोलते हैं या पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में आप कितना बोलते हैं? जब से सो के जगते हैं आप या तो मोबाइल पे लगे रहते हैं या दफ्तर में या दुकान में या कहीं भी आप हों, आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। अगर आप इस बात को खुद ख्याल में लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो सेंटेंस हैं वो चार लाइन की बजाय एक लाइन में हो सकते थे। बहुत सारे शब्द जो 10 शब्द हमने खर्च कर दिए वो एक शब्द ही खर्च करते तो अच्छा। खर्च शब्द मैं इस समय इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ज़्यादा बोलना यानी कि आप अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। शब्द भले ही आपका खर्च ना हो, आपकी डिक्शनरी में और शब्द बढ़ते जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को खोते जाते हैं। तो ज़्यादा बोलने से आप बचें। हो सके तो महीने में एक दिन मौन धारण करें और अगर हफ्ते में भी पॉसिबल हो तो एक दिन आप मौन रह सकते हैं, अगर संभव हुआ तो। हालांकि आज इतनी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, लोगों के पास 20 जगह से फ़ोन आते हैं, रिश्तेदार हैं, फलां चिलां, तो मौन रहना हो सकता है हफ्ते में आपको कठिन लगे, लेकिन महीने में एक दिन आप मौन रख सकते हैं। ये आपकी आत्मा के लिए है, आप अपने को जान सकें, खुद से पहचान के लिए है। आपके शरीर के अलग अलग जो किडनी है, हार्ट है, जो अलग अलग ऑर्गेन्स हैं वो आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। उनसे आप बात तभी कर पाएंगे जब आप मौन रह पाएंगे। इसलिए जीवन में मौन का काफ़ी अहम महत्व है। जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि हैं वो हर कोई मौन रखते हैं, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, हर कोई ने मौन को रखा है। और मौन को जब आप रखने लगेंगे, जब हफ्ते या महीने में मौन करने लगेंगे, तो आपको खुद इसका एहसास होगा कि मौन के अगले दिन आपके एनर्जी, आपके शरीर का जो बैटरी है, जो लाइफ एनर्जी है, वो कई गुना आप ज़्यादा महसूस करेंगे। और जो ऋषि मुनि जो बहुत सालों साल या महीनों तक मौन रहते थे, उनका तो एक ऑरा बन जाता था। उनके जो आप सर देखेंगे, उनके बॉडी देखेंगे, उनसे कुछ दूर तक आपको एहसास होगा। आप थोड़ा भी आध्यात्मिक हैं तो पता चलेगा कि उनके शरीर से लाइट इमिट हो रही है, उनके माथे के चारों ओर ऑरा एक बना हुआ है। तो मौन की इतनी ताकत है। तो इस ताकत को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इसे हम खर्च किए जा रहे हैं। मौन ताकत से, आपके लाइफ एनर्जी से कैसे जुड़ा हुआ है, इसको जानने के लिए आप खुद ये एहसास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लाइफ एनर्जी हम लेते हैं, सांस के जरिए हम अंदर ले रहे हैं और सांस के जरिए हम वो एनर्जी को बाहर छोड़ते हैं। तो जब कभी भी आप बात करते हैं तो आप सांस नहीं ले पाते हैं। तो आप समझ लीजिए, एक तरह से सांस छोड़ना और शब्द छोड़ना दोनों एक ही तरीका है, दोनों एक ही तरह से काम करता है। यानी कि आप एनर्जी का ह्रास हो रहा है, आपका आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है। जिस तरह आप सांस छोड़ते हैं, जिसको कहा जाता है कि ये तो मौत है और सांस लेने को ज़िंदगी बोलते हैं, तो उसी तरह अगर आप बात करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि सांस लेते वक्त आप बात नहीं कर पा सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो जब कभी भी आप बात कर रहे हैं, यानी कि जितने घंटे आप बात कर रहे हैं, जितने मिनट बात कर रहे हैं, उन क्षणों में आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि सांस लेने के लिए आपको मौन रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो मौन की क्या ताकत है, ये आप अपनी सांस से इसे कनेक्ट करके इसको देख सकते हैं। ये कोई कहानी या किसी तरह की कोई अनप्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। ये आप खुद देख सकते हैं कि आप सांस भी लें और आप बोल भी लें, दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं और इसको बचाना
चाहिए आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी खर्च होना ही जस्ट ऐसे ही है जैसे कोई ईवी मोटरसाइकिल या बाइक या कोई कार हो और उसकी बैटरी धीरे धीरे डेड हो रही हो, और जब बैटरी उसकी डेड हो जाएगी तो वो ख़त्म हो गई, उसका कहानी ख़त्म हो गया, फिर नई बैटरी लेनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह है कि लाइफ एनर्जी आप ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत जल्दी आप बूढ़े हो जाते हैं, आपके बाल उड़ जाएंगे, आपके चेहरे की चमक खो जाएगी, आप में एक जो चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी आने लगेंगी, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत जल्दी बूढ़े होने लगेंगे। तो मौन रखिए हफ्ते में या महीने में और खुद को जवान रखिए। तो मौन से कहीं ना कहीं आप लाइफ एनर्जी को सेव करते हैं, और उस लाइफ एनर्जी के जरिए आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप सेलेस्टियल ज्ञान हासिल कर सकते हैं, आप परमात्मा से अपने संबंध को जोड़ सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए, सेलेस्टियल पावर से कनेक्ट होने के लिए आपको एक लेवल तक का आपको लाइफ एनर्जी होनी चाहिए, आपके शरीर में इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतना पोटेंशियल होना चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए जो कि आपको वहाँ से ऊपर से कनेक्ट कर सके, आपको सेलेस्टियल जो डिवाइन बीइंग है उससे आपको जोड़ सके। तो जहाँ तक पॉसिबल हो मौन रखने की कोशिश कीजिए, मौन रहिए, बहुत कम शब्दों का प्रयोग कीजिए। आप जानते हैं जो भी जिनकी वाक्पटुता या जिनकी बोलते हैं कि वाक्य सिद्धि हो गई है इनकी, वो कैसे हासिल करते हैं, वो मौन रह के ही हासिल करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बोलने से, जब आप मौन रहते हैं, आप जब कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, कम लाइन का प्रयोग करते हैं, तो आपके शब्द प्रभावी हो जाते हैं, आपके लाइन प्रभावी हो जाते हैं, और बहुत हद तक कई बार आप ज़्यादा समय मौन रहने लगे तो आप जो बोलते हैं वो सत्य होने लगता है। तो मौन की इतनी ताकत है, मौन की ताकत को आप समझिए, और जीवन में फालतू में अपने लाइफ एनर्जी को, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हों, चाहे ऑफिस में बैठे हों, चाहे खाना खा रहे हों, चाहे बाथरूम में, कहीं भी आप अपनी लाइफ एनर्जी को सेव कीजिए, अपने जुबान पे ताला लगाइए, खुद को मौन में रखिए कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ पल, कुछ दिन, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं, किस तरह के बदलाव होते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमें लगता है कि मौन से जुड़ी हुई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, तो हमें दीजिए इजाज़त। और हाँ, सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज यानी कि खगोलीय दैवीय रहस्य, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ से जुड़ी हुई बातें इसमें होती हैं, भगवान से जुड़ी हुई बातें होती हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई यहाँ बातें होती हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।